हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और मैं आज लेने वाली हूँ एक टॉपिक, एम्फीबॉलिक पाथवे। कई बार बहुत जनरलाइज करके इसे हम स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से इसे तैयार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं एम्फीबॉलिक। तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग हमें समझनी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबॉलिक पाथवे। देखिए, आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में जरूर सुना होगा। मेटाबॉलिज्म में हम बोलते हैं कि एक भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म में बात करें तो दो तरह की रिएक्शन होती है, वन इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक, अनदर इज कॉल्ड द एनाबॉलिक। ठीक है ना। कैटाबॉलिक में आप जानते ही होंगे कि मतलब क्या, ब्रेक डाउन। अगर कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक इसका ऑपोजिट होता है, कि यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या कर बना रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल। यानी कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिक। तो यानी ये दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म होता है, और यही एम्फीबॉलिक कह रहे हैं। कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग की अगर बात करें, तो क्या हो रहा है कि ह्यूमन बींग में एनाबॉलिक मतलब एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एक बार अगर कैटाबॉलिज्म में एंटर कर रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल उसने ब्रेक किया, छोटी छोटी मॉलिक्यूल बनाए, क्या हो गया उसका, कैटाबॉलिज्म हो गया। बट वो छोटी छोटी मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, ऐसे पाथवेज में भी एंटर कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये एनाबॉलिक भी हो गया। तो यानी कि ये दो तरह के पाथवे एक साथ रन हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। कि मतलब एक ही मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है, एनाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। समझ आई ये बात। चलिए यहाँ पे आपके एक एग्जाम्पल दिया है, जहां से इससे कौन कौन से क्वेश्चन पिक हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको प्रॉपर नीट आस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी। ठीक है ना। देखिए, हमने ये तो पढ़ा ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक कर एनर्जी रिलीज करता है। कैसे करता है, दैट वी हैव डन, क्या, थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जब ये एंटर करता है, जो 10 एंजाइम बेस्ड रिएक्शन होती है, अल्टीमेटली क्या बनाएगा, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, DHAP, ग्लिसरल्डिहाइड, पाइरुविक एसिड। ये तो हो गया यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस। फिर पाइरुविक एसिड जो है वो एंटर करेगा क्रैब साइकिल में, बट इन दोनों के बीच का लिंक जो होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसमें कन्वर्ट होके एट लास्ट ये क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। अब क्रैब साइकिल में अल्टीमेटली क्रैब साइकिल से बनता क्या है, इट इज CO2 एंड वाटर। पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि क्रैब साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, या व्हाट क्रैब साइकिल किस लिए किया जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट उससे क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर। ठीक है ना। तो ये तो हमने पाथवे पढ़ लिया। अब आपको लगेगा इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट नहीं है। अब दूसरे पाथवे चलते हैं, जैसे कि फैट है। फैट का अपना एनर्जी रिलीज करने के अलग पाथवे है, बट कई बार फैट इस वाले पाथवे में भी एंटर कर जाता है। तो फैट क्या बना रहा है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना रहा है। ये देखो ब्रेक हो गया, ध्यान रखना, ये देखो ब्रेक हो गया, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बेसिक। अभी फैटी एसिड ग्लिसरॉल फर्दर क्या बना रहा है, डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट, और इसके थ्रू ये इस वाली पाथवे में एंटर कर सकता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में एंटर कर सकता है। किसके थ्रू, DHAP के थ्रू ये एंटर कर सकता है, और वहां से भी एनर्जी रिलीज कर सकता है। ऐसे ही फैटी एसिड कहां, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पे, देखो यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पे भी एंटर करके, क्रैब साइकिल में एंटर करके अल्टीमेटली ये भी एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो देखिए, इसका फैट का एंट्री पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है DHAP, और दूसरा हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि फैट किस लेवल पे एंटर कर सकता है, दैट इज DHAP एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, नाउ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड कहाँ एंटर कर सकता है, इट कैन एंटर एट द लेवल ऑफ पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड में से ही कोई भी अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो पाइरुविक एसिड के में एंटर कर सकता है। तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है कि प्रोटीन किस लेवल पे एंटर करके, क्रैब साइकिल में एंटर करके एनर्जी रिलीज कर सकता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि कौन किस लेवल पे एंटर कर सकता है, वहां रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, देखिए फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, ओके। नाउ अगर मैं इसका रिवर्स करूं, मतलब क्या, एम्फीबॉलिक पाथवे समझा रही हूँ, एम्फीबॉलिक किस तरह से हुआ, ये तो देखिए ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली वाटर एंड CO2 में ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ओवरऑल दिस ऑल इज कैटाबॉलिक, है ना। अब क्या हो सकता है कि पाइरुविक एसिड जो है
ये पायरवे कैसे हो सकता है इस ब्रेकडाउन पाथवे से एग्जिट करके, यहाँ से एग्जिट करके और ये क्या बना ले, कोई अमीनो एसिड बना ले और ये बना ले फिर प्रोटीन। समझ रहे हो, जैसे हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने, उसमें से पायरुविक एसिड हो सकता है ये यहाँ से निकलकर प्रोटीन सिंथेसिस के पाथवे में एंटर करे, और हो सकता है क्या ऐसा होता ही है, राइट। तो ये प्रोटीन बनाने में मदद कर सकता है, यानी कि कौन सा पाथवे हो गया, एनाबॉलिक पाथवे हो गया। समझ में आई ना मेरी बात, कि देखिए कैटाबॉलिक तो हो ही रहा है पर पायरुविक एसिड एनाबॉलिक में भी एंटर कर सकता है। ऐसे ही डीएचएपी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये इस पाथवे से एग्जिट करके ये क्या कर सकता है, फैट में कन्वर्ट हो सकता है। जब इससे बन सकता है तो कन्वर्ट भी हो सकता है, इजंट इट राइट। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एनाबॉलिक पाथवे भी रन कर सकता है। अभी समझ में आया एम्फिबॉलिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पिक हो सकते हैं, जो जरूर से आप प्रिपेयर कर लेना। अगर यहाँ अगर इस वीडियो में अच्छे से समझ गया तो उसको बुक से पढ़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि अभी रिसेंट नीट के हिसाब से आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर से बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए फुल जोश के साथ, बाय बाय, टेक केयर।